नमस्कार दोस्तों, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पे जितने भी अमाउंट आप देख पा रहे हो सारी लैक्स में और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है और प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों, अगर हम टोटल इनकम की तरफ देखें तो लास्ट टाइम कंपनी ने इनकम जनरेट की थी 13,809, जो कि अब बढ़ के 18,907 तक हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी बड़ी जंप है इनकम में और क्वार्टरली वाइज भी जंप है। प्रीवियस क्वार्टर में 17,843 कंपनी ने जनरेट की थी इनकम, तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से भी बहुत बढ़िया जंप है। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज अगर हम देखें तो इनकम में शानदार जंप है। और अगर हम एक्सपेंस देखें तो कंपनी के लास्ट टाइम पे एक्सपेंस थे 8,055 और उससे अब बढ़ के 11,134 तक हो चुके हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा एक्सपेंस में जंप देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली वाइज भी जंप है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो जो कंपनी के हाथ में बचता है आफ्टर टैक्स, सारा टैक्स काट के जो ये अमाउंट कंपनी के हाथ में बचती है, तो लास्ट टाइम कंपनी के पास नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था 4,295,00,000। तो दोस्तों, ये अमाउंट बन गई 42 करोड़ और अब ये बढ़ के 57 करोड़ तक हो चुकी है और प्रीवियस क्वार्टर में 53 करोड़ थी। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज दोनों केसेज में इनकम में जंप है और नेट प्रॉफिट में भी बहुत बढ़िया जंप है। और EPS भी देख लेते हैं हम, EPS भी उसी हिसाब से बढ़ा हुआ है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो 10.31, इससे बढ़ के 13.83 तक हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज EPS में भी बहुत बढ़िया जंप है। और दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के डिटेल से देखें तो दोस्तों आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस 1915 पे ट्रेड किया है और हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ये इंडिया में। और अगर इसका मार्केट कैप देखें हम तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 8,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और 41 की अभी स्टॉक का पी चल रहा है इस पर। और अगर हम इसका नीचे बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट 2016 से लेकर अभी तक कि ये जो सेल्स हैं दोस्तों, अगर हम ये देखें तो सेल्स बहुत बढ़िया हिसाब से इंक्रीज़ हुई है कंपनी की। 2018 में 214 करोड़, फिर 275, 327, फिर 260। दोस्तों, ये कोरोना का टाइम फ्रेम था इसलिए यहाँ पे सेल्स कम हुई थी सभी कंपनियों की, तो इसके साथ भी वही केस है। और 2022 में 408 कमबैक आया दोबारा कंपनी का, फिर 538 करोड़, अब 613 करोड़ तक। और अगर हम ऐसे ही नीचे नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो एक भी ऐसा साल नहीं हुआ कि कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन रहा हो। सिर्फ कोरोना के टाइम पे थोड़ी सी बस दिक्कत हुई थी कंपनी को, तो यहाँ पे 0, फिर उसके बाद 50 करोड़, और यहाँ से कंपनी की जर्नी स्टार्ट होती है 65, 71, 44, ये कोरोना का टाइम फ्रेम। फिर उसके बाद कमबैक आई कंपनी वापस 125 करोड़, 168, 195। तो दोस्तों, जिस हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है उस हिसाब से आने वाले टाइम पे ये एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। और दोस्तों, अगर रिजर्व्स भी देखें तो 2016 से लेकर अभी तक कंपनी के रिजर्व्स भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़े, पहले 6 करोड़, और 6 करोड़ से अब लगभग 600 करोड़ तक हो चुके हैं, तो 100 गुना रिजर्व्स हो चुके हैं। बोरिंग्स ऐसी कोई ज़्यादा खास नहीं, 19 करोड़ की बोरिंग है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 19 करोड़ की बोरिंग्स ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर नीचे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 2022-23 और अभी फिलहाल का जो डेटा अवेलेबल है 48% की प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और FIs ने भी थोड़ा माल उठा के रखा है लगभग 2% के आसपास, और DIs के पास भी लगभग 10.5% के आसपास, 10.25% के आसपास माल है इस कंपनी का। और पब्लिक के पास 39% के होल्डिंग देखने को मिल रही है हमें। तो दोस्तों, ये कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है ये आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। और अगर हम इसका चार्ट पैटर्न भी देखें एक बार, तो दोस्तों आज के दिन हल्की सी तेज़ी, और 5 दिन की अगर बात करें तो लगभग 7.5% के रिटर्न दिए शेयर ने, 1 महीने में 38% से भी ज़्यादा के रिटर्न, और 6 महीने में पैसे डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 124% के रिटर्न दिए इस शेयर ने। और एक साल का टाइम फ्रेम देखें तो 181% के रिटर्न, और 5 साल में इस कंपनी ने 236% के रिटर्न दे दिए दोस्तों। और अगर मैक्सिमम हम देखें तो 236 ही निकल के आ रहा है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है दोस्तों, लिस्टिंग के टाइम पे 2021 से हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आप इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हैं। और ये दोस्तों जिस हिसाब से ग्रो हो रही है, ये आने वाले टाइम पे यहाँ से लगभग 5 से 6 गुना बहुत आराम से हो जाएगी, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। तो ये लगभग ये 2000 का शेयर आपको आने वाले 5 साल में 10,000 तक आराम से होते हुए देखने को मिलेगा। आप इसमें अपनी स्टडी करके और तभी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचें, एक छोटा अमाउंट लगा के आप इसको देख सकते हैं। और बाकी ऐसी डिटेल्स और अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।